नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। बाथरूम वॉल टाइल्स के डिज़ाइन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार का लुकिंग रहता है। 6.5 फीट हाइट वाले इस बाथरूम की क्या लुक रहता है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बाथरूम के जस्ट ऊपर छोटा सा माल्या बनाए रखा है, जो जगह है वहाँ पे। बात करते हैं सबसे पहले तो इसमें तीन प्रकार का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, डार्क हाइलाइटर और लाइट टाइल्स का। जैसा कि सबसे नीचे आपको दिख रहे होंगे, डार्क टाइल्स लगी हुई है, दो पीस डार्क के लगाए हुए हैं। इसका मतलब 2 फीट तक आप डार्क देख रहे हैं और उसके ऊपर आप देख सकते हैं हाइलाइटर, जो दो अलग अलग हाइलाइटर इस टाइल्स में हैं। पहला हाइलाइटर आपको दिख रहा है डॉल्फिन का, और दूसरा आप देख सकते हैं वो भी डॉल्फिन है। और ऊपर जो लग रहा है वो लाइट प्लेन टाइल्स देख सकते हैं आप। कॉमन फ्लैट बात है, रुद्राक्ष ब्रांड की वॉल टाइल्स 18-12 साइज की बात करें तो ये 18-12 है। एक बॉक्स में ये 6 पीस आते हैं और 9 फीट एरिया कवर करता है। पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आपको सामने 2 पॉइंट दिख रहे हैं, गीजर के लिए पॉइंट दिए हुए हैं, जहाँ लाइट का पॉइंट छोड़ा हुआ है वहाँ पे गीजर के कनेक्शन के लिए। डब्ल्यूसी के पास बिपकॉप के लिए आप देख सकते हैं एक पॉइंट। डब्ल्यूसी के साथ में कमोन का भी कनेक्शन दिया हुआ है, आपको दोनों सुविधा इसमें मिल सकती हैं। दोनों कमोन में आप जेड पत्ती लगाते हैं या फिर हेल्थ प्रोसेस लगाते हैं, उसके लिए भी आप पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पर आप कोक लेकर आप दो कनेक्शन ले सकते हैं, जहाँ पर एक सिंगल कनेक्शन दे रखा है। ये कनेक्शन आप इस पर कमोन लगा सकते हैं, एंग्लो इंडियन लगा सकते हैं, यूरोपियन लगा सकते हैं, EWC लगा सकते हैं, जो भी आपको कमोन पसंद आए वो। बाथरूम की बात करें तो सामने वाली दीवार पर कंसील्ड कोक के साथ 2 पॉइंट दे रखे हैं, जहाँ भी कोक लगेंगे। यहाँ पर वॉल मिक्सर नहीं है, कंसील्ड अलग से लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, जहाँ कंसील लगता है वो वॉल मिक्सर नहीं लगता है, क्योंकि जो शावर ऑन ऑफ होता है वो कंसील्ड से होगा इसमें। और अगर आप वॉल मिक्सर लगाते तो उसके साथ लगा रहता था ये, जहाँ 2 पॉइंट यहाँ पर भी कोक लगेंगे गर्म ठंडे के लिए। हाइट कम होने की वजह से शावर बहुत कम नीचे लगा हुआ है। जब भी आप बाथरूम बनाएं तो बाथरूम की जो हाइट है वो कम से कम 7 या 8 फीट होनी जरूरी है, क्योंकि अगर 8 फीट हाइट नहीं होगी तो शावर की जो लेंथ रहेगी वो कम काफ़ी नीचे रहेगी, जो कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। बात करें फ्रेम की तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाथरूम के लिए ग्रेनाइट में फ्रेम ली हुई है, कोटला वाली। हमेशा यहाँ पर ग्रेनाइट आपने ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि पानी भी लगता है तो कुछ मिश्रा इसमें सीलन मिलन खराब नहीं होती है। चौखट बेंड का ना, किसी प्रकार का किसी भी मौसम में परिवर्तन का ना होना, यहाँ पर ग्रेनाइट इसमें जैसा आप चाहो वैसा लगा सकते हैं। ये कोटला ब्लैक लगाया हुआ है, रेट की बात करें तो ये 70 से 75 रुपये की रेंज का कोटला ब्लैक ग्रेनाइट। बाथरूम के दरवाजे में आप सीमेंट, एल्यूमिनियम, लोहे, इस प्रकार के दरवाजे भी आप लगा सकते हो, लेकिन ग्रेनाइट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट। वीडियो में अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए ज़रूर आप कमेंट करें। 18-12 की जो टाइल्स है वो रेट की मैं बात करूँ तो ये 200 से 230 रुपये के बीच आपको किसी भी शॉप पर उपलब्ध मिल जाएगी आसानी से। बाथरूम में अन्य किसी प्रकार की डिज़ाइन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा देखते रहिए, आपको रोज़ हमेशा नए नए डिज़ाइन देखने को मिलेगी किचन फ्लोरिंग की सभी की। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।